उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रदेश भर में उत्तराखंड पुलिस सह कांस्टेबल के लिए लिखित परीक्षा करवाई जा रही है, जिसके लिए प्रदेश भर में 413 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,30,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पौड़ी जिले में भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सर्दियों के मौसम की वजह से आयोग ने परीक्षा का समय 11 बजे से 1 बजे तय किया है। वहीं वीडियो वीपीडीओ भर्ती घोटाले के बाद यह पहली परीक्षा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी चौकन्नी है। साथ ही युवाओं में भी परीक्षा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। लोग श्रीनगर से आ रखे हैं और उम्मीदें तो हमें काफ़ी हैं, और इसका वेट हम काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि कब हमारा एग्ज़ाम हो और कब इसकी मतलब इसकी परीक्षा, जो मतलब डेट हमें पता चली गई इसके, उसी हिसाब से इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एडमिट कार्ड लेके आ रखे हैं और साथ में हम अपनी फ़ोटो और एक पहचान पत्र, जिससे हमें मतलब ऐसे हो गए कि मतलब उस चीज़ का पता चलेगी कि हमारा आधार कार्ड जिससे वैलिड है। उम्मीदें तो सर हमें अभी काफ़ी है, पर अभी पेपर के बाद पता चलेगा कि किस हिसाब से हमें पेपर आ रखा है। तो जिले में 264 की डिमांड आती है, लेकिन इस समय पर 250 स्टूडेंट्स आवंटित किए गए हैं। परीक्षार्थी 250 परीक्षार्थी आवंटित किए गए। इसकी व्यवस्थाएं बहुत पहले से चल रही हैं। हमारे जिला मजिस्ट्रेट साहब ने, SDM साहब ने ऑनलाइन ऑफलाइन लगातार बैठकें की कई दिनों से, हफ्ते भर से बच्चों की जो बैठक व्यवस्था तैयारियां हमारी लगातार चल रही हैं। आज परीक्षार्थी आ गए हैं, पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है, क्लब रूम की व्यवस्था कर रखी है, फीमेल फिस्किंग रूम अलग से बना रखा है, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। मैडम के द्वारा संतुष्टि दी गई है कि बिना चेकिंग फिक्सिंग के कोई भी एंट्री नहीं करेगा। लड़कियों की अलग लाइनें, अलग महिला कांस्टेबल लगी हुई है और लड़कों के लिए अलग चेकिंग फिक्सिंग चल रही है। कोई भी अपना एडमिट कार्ड और फोटो पेन के अलावा कोई भी सामान अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।